मॉर्निंग मेरे बच्चे, टुडे डिस्कशन इज ए क्लास सेवन ए बी सी। सब्जेक्ट सोशल साइंस, चैप्टर थ्री आवर चेंजिंग आर, दैट इज ए सेकेंड टॉपिक। सेकेंड टॉपिक बाउंड्री है, और ये जो भाग
बाउंड्री हो गया, ये जो लाइन दिखाई गई है ये प्लेट बाउंड्री है, और ये सभी जो है प्लेट है जो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, कनेक्ट है एक दूसरे के साथ जुड़ा। और ये देखो सेस्मिक वेव रेडिएट आउट इन ऑल ऑफ डायरेक्शन, ये सभी दिशाएं में ये जाता है। इस तरह से अगर पानी में आप बैठते हैं, कभी तालाब के किनारे बैठे हैं, नदी के किनारे बैठे हैं, झरने के किनारे बैठे हैं, उसमें अगर आप एक टुकड़ा फेंक देते हैं पत्थर का टुकड़ा, तो क्या होता है कि उसमें वे बढ़ता है और वह चारों तरफ ऐसे करके फैल जाता है, क्योंकि वह ऑब्जेक्ट जो होता है वह नीचे की ओर जाता है, अपने भार के हिसाब से वह प्लेस अपना फेंकता है, तो उस भार के हिसाब से पानी ऊपर की ओर जाता है, और वह पानी ऊपर जाएगा तो वह जाकर के उत्तरी भाग पर एडजस्ट करता है, लेवल प्राप्त होता है। उसी तरह से ये भाग है जब भूकंप यहाँ पर पहुँचते इसमें वेव ऊपर आता है, तरंगे ऊपर होती है, और ये चारों तरफ जितना उसकी शक्ति होता है जितनी पावर होता है वह पृथ्वी के चारों तरफ वह वेव तरंगे ऊपर होती है, जिसको हम लोग रेडिएट आउट इन द ऑल डायरेक्शन सभी डायरेक्शन में ये दिखाई देता है। अब देखिए दिस इज ए रियल वेव द अर्थ इज प्रपोज इन इज ए ओरिजिन ऑफ द सेस्मिक ग्राफ, ये यहाँ पर ओरिजिन होता है, उत्पत्ति होता है, ये भूकंप उत्पत्ति होता है, ओरिजिन ऑफ द अर्थ इज दैट सेंटर होगा, ये ओरिजिन ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट
का मतलब होता है मौसम, जो हमारे
इधरातल के बाह्य भावों पर इफेक्ट डालता है। दूसरा जो है वह आपको इरोजन है, जिसको हम अपरदन के नाम से जानते हैं हिंदी में, और यह अपरदनी क्रियाएं पृथ्वी के बाह्य भावों में हमेशा होता रहता है। जैसे वर्षा होती है तब होता है, नदी अगर अपने भावों से चलते है तब होता है, समुद्री वेग से होता है, सन रे से होता है, सूर्य की किरणें अगर आता है उससे होता है, ये इसका How are
हॉर्मेट, ये दो आपका होमवर्क करेगा। पहला हो गया आपका व्हाट इज इरोजन, नेक्स्ट होगा हाउ आर प्लांट प्ले फॉर्म, ये नेक्स्ट डे वर्क ऑफ द रिवर एंड आई सी लेवल इत्यादि डिफरेंट।